पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का दौर थम नहीं रहा है और उस पर राजनीति भी मानो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद नंदीग्राम के हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा की घटनाएं हुई उनकी तपिश अभी भी महसूस की जा रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ खुद कल यानी 15 मई को नंदीग्राम जा रहे हैं। राज्यपाल कल सुबह 9:15 बजे BSF के हेलीकॉप्टर के जरिए नंदीग्राम के लिए रवाना होंगे। वो दिन भर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कल ही वापस कोलकाता लौट आएंगे। अपने इस एक दिन के दौरे में राज्यपाल नंदीग्राम में एक मंदिर भी जाएंगे। वे नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जहां विपक्ष फिजूल खर्ची के आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार अपने तर्क दे रही है। सरकार का मानना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होगा। अब तक जो सिर्फ 2 ग्लोबल टेंडर किए गए हैं वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए किए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो 477 करोड़ में बनकर तैयार होगा, जबकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसे में 2022 का विंटर सेशन किया जाना है वो 862 करोड़ के ग्लोबल टेंडर किए गए हैं। महज 1350 करोड़ अब तक सरकार ने खर्च किए हैं, वो भी मंत्रालय यानी कि हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ये टेंडर फ्लोट किए गए हैं। इसका सरकार या कोरोना के दौरान के खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद करने पर दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में आ गए हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यूथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंची। यहां यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोरोना संकट में लोगों की मदद करने के लिए चर्चा में रहे BV श्रीनिवास से पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि कोरोना मदद अभियान कहां से कर रहे हैं। श्रीनिवास से पुलिस की पूछताछ पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। मोदी सरकार राजधर्म नहीं रेड धर्म निभा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर ट्वीट किया, जब हॉस्पिटल बेड दवाइयों ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है उस समय चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अपराध है। लेकिन पूर्वी दिल्ली से BJP सांसद गौतम गंभीर ने नाम लिए बगैर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, विपक्ष को सामान्य प्रक्रिया का बेवजह राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। पुलिस ने हमसे भी जवाब मांगा है और हमने वो उपलब्ध करा दिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने कोरोना काल में लोगों की मदद कर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। देश भर से ट्विटर पर आ रही मदद की गुहारों तक श्रीनिवास अपनी टीम के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं और इस अभियान के लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन जो सिलेंडर थे उसकी बेहद ज्यादा खपत देखने को मिली और जो जहां पर रिफिलिंग हो रही है इन ऑक्सीजन सिलेंडर की वहां पर काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मैं इस वक्त आया हूं मुंबई के पास पालघर जिले में। आप देख सकते हैं कि ये रिफिलिंग प्लांट है और यहां पर बहुत सारे जो है तमाम सिलेंडर तमाम जगहों से लाए जा रहे हैं और यहां पर लगातार रिफिल किए जा रहे हैं। रात दिन यहां पर काम चल रहा है ताकि कोरोना की वजह से जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उन मरीजों को बचाया जा सके। जैसे ये डिमांड बढ़ने लगा हमने 2 शिफ्ट में काम लगाया, 7 से 3 किया और 3 से 11, पहले 9 घंटे के बजाय अभी हम लोग लगातार 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 16 से 18 घंटा डेली काम हो रहा है कोविड के डिमांड की वजह से। ये है मुंबई के पालघर में वो रिफिलिंग प्लांट जहां पे भारी तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही है और उन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल और उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना से लेकर ऑक्सीजन पर हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन इस पर हो रही सियासत कम नहीं हो रही है। BJP ने आरोप लगाया कि दिल्ली की वजह से दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन का नुकसान हुआ। BJP ने पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO की एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता नहीं है और इसका खामियाजा दूसरे राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था, तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो
तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं। सियासी पार्टियां तो लड़ती रहेंगी, लेकिन अभी जरूरत ये सोचने की है कि अगर कहीं तीसरी लहर आ गई तो एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी ना पड़ जाए। इस समय देश को सियासत नहीं कोरोना से लड़ने का प्लान चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री सदानंद गौड़ा ने वैक्सीन की कमी को लेकर दिया है विवादित बयान। बोले, अगर वैक्सीन नहीं दे पा रहे तो क्या फांसी पर लटका दोगे। देश में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक सरकारों से सीधे सवाल कर रहे हैं। ऐसे ही एक सवाल पर देखिए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा कैसे भड़क गए। विद गुड इंटेंशन ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಾ। ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಕೆ ಫಾಸಿ ವಾಲೆ ಬಯಾನ್ ಪರ್ ಸಿಯಾಸಿ ಹಡಕಂಪ್ ಜಾರಿ ಹೈ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೋಲಿ ಕಿ ಫಾಸಿ ನಹಿ ಪದ ಸೆ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೋ. गोवा के सरकारी अस्पताल में पिछले चार दिनों में 70 से ज्यादा मरीजों की मौत से मचा हड़कंप। हाईकोर्ट में गोवा सरकार बोली, ट्रक से ऑक्सीजन लाने में हुई दिक्कत की वजह से ज्यादा जाने गई। गैस प्लांट से ये ऑक्सीजन लीक हो रही है गोवा के अस्पताल में। इस अस्पताल में पिछले चार दिनों में कोरोना के 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इसमें 13 मौतें बीती रात हुई है। इतनी ज्यादा मौत की वजह गोवा सरकार ने क्या बताई, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में गोवा सरकार ने कहा, ऑक्सीजन लाने में देरी की वजह से ज्यादा मौतें हुई। देरी इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन के पास ट्रक से ऑक्सीजन उतारने के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था। इतने लोगों की मौत और गोवा सरकार का यह बयान गुस्सा और बढ़ाता है। वैसे मरीजों की हुई मौत के मामले में गोवा सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है और 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एक तरफ गोवा जहां कोरोना के महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बीच काफी मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने खुद माना है, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि रात के 1 बजे के बाद सुबह 6 बजे के बीच इतनी मौतें क्यों हो रही है। और यहां तक उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले की इंक्वायरी की जानी चाहिए। दूसरी तरफ एक दूसरे विधायक जो हैं रूलिंग पार्टी के, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर ही आरोप लगाया है कि उनकी मिलीभगत हो सकती है कि जिसकी वजह से इतनी सारी मौतें हो रही है। अपोजिशन भी इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में पीछे नहीं है और एक यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया गया है पुलिस के पास स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, ये कहते हुए कि उनकी ऑक्सीजन कंपनीज के साथ मिलीभगत है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में कमी होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कंपनी को दिया गया है और इसमें FIR दर्ज की जानी चाहिए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियार जो है वो वैक्सीन है, लेकिन 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को जम्मू में वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये आप COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर देख रहे हैं 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते अभी फिलहाल जो 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन जो है वो नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन सेंटर 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बनाए गए वो बंद हैं। और जहां तक बात ऑनलाइन बुकिंग्स की है तो ऑनलाइन बुकिंग्स भी नहीं हो रही। ऐसे में इस आयु वर्ग के लोग जम्मू में दर दर भटकने को मजबूर है क्योंकि सरकार इस आयु वर्ग के लोगों को लेकर कोई स्पष्ट नीति लेकर सामने नहीं आई है। आज मैं पहुंचा हूं मुंबई के पास पालघर में उस लैब में जहां पर रेमडेसिविर का प्रोडक्शन किया जा रहा है। लैब में रेमडेसिविर तैयार की जा रही है और रात दिन तमाम कर्मचारी जो है किस तरह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त जिस लैब में हूं आप देख सकते हैं कि ये कमला लाइफ साइंस लैब है यहां पर पालघर में, और यहां पर किस तरह से यहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं और रेमडेसिविर जो दवा है यहां पर बनकर आ रही है और इसे बाज़ार में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरी यूनिट जो है लगातार जो है यहाँ पे काम कर रही है, पैकेजिंग कर रही है और इस रेमडेसिविर दवा को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए
बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। यह वायल लेबल करने के बाद इसको पैक कार्टन में पैक किया जाता है। कार्टन और लेबल का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर एंड प्राइस मैच करके उसको पैक करके आगे हम पैकेजिंग यूनिट सिपर में डाला जाता है। तो ये मैं आपको ऐसी लैब में आज लेकर आया हूँ जहाँ पर कोरोना के मरीजों को जीवन दान देने की जो दवाएं हैं वो बनाई जा रही हैं, जैसे रेमडेसिविर, जैसे कि अभी एक नया वायरस लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, और म्यूकोमाइकोसिस जो दवा है उसकी जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। भारत में रूस से आई कोरोना वैक्सीन की कीमत का ऐलान हो गया है। इसके एक डोज का दाम करीब 1,000 रुपये होगा। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत तय हो गई है। इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 948 रुपये होगी और इस पर 5% GST लगेगा, यानी स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 995 रुपये होगी। डॉक्टर रेड्डीज ने यह भी कहा है कि जब वैक्सीन को लेकर लोकल सप्लाई शुरू हो जाएगी तो कीमतें और भी कम हो सकती हैं। सॉफ्ट लॉन्च के बाद आज हैदराबाद में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज दी गई। डॉक्टर रेड्डीज के एक अधिकारी दीपक सापरा को भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज दी गई। आम लोगों को अगले हफ्ते से ये वैक्सीन मिलने लगेगा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रूस में तैयार की गई। इसे COVID-19 के खिलाफ काफी कारगर माना जा रहा है। अगले कुछ महीनों के भीतर इसके व्यापक उत्पादन का काम भारत में शुरू हो जाएगा। देश में जल्द आ सकती है नाक से लगने वाली कोरोना वैक्सीन। इस वैक्सीन के कई फायदे हैं और ये नेजल वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में गेम चेंज सकती है। नेजल वैक्सीन के पहले फायदे समझिए। इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यूनिटी तैयार होने से सांसों से वायरस के संक्रमण का खतरा कम होगा। नेजल वैक्सीन से फेफड़ों के ऊपरी हिस्से और नाक पर भी सुरक्षा होगी। इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होगी। इसका उत्पादन आसान होगा जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना घटेगी। इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और स्टोरेज की भी समस्या कम होगी। नेजल वैक्सीन में केवल 4 बूंदें ही लेनी होती हैं। पोलियो ड्रॉप की तरह 2-2 बूंदें दोनों नथुनों में। भारत बायोटेक ने अपनी इस नेजल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल अप्रैल के महीने में शुरू कर दिए हैं और भारत सरकार के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 10 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर बोले पीएम मोदी, कहा 100 सालों में ऐसी आपदा आई है। बहुरूपी वायरस ने कई लोगों को हमसे छीना, लेकिन मैं देशवासियों का दर्द समझता हूँ। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। पीएम मोदी ने आज फिर संदेश दिया, कोरोना से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं, लेकिन टीका लगवाने के बाद भी मास्क पहने और 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं। इजराइल के सुरक्षा बलों और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच लड़ाई जारी है। बीते कुछ दिनों के दौरान अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरे इलाके में रात और दिन रॉकेट के धमाके और गोलाबारी की गरज सुनाई देती रहती है। हवा में एक के बाद एक रॉकेट छूट रहे हैं और इमारतों के बीच ऐसे ही धमाके हो रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीरें, टैंक कैसे गोला बरसा रहे हैं। दिन हो या रात, इसराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच ऐसे ही जंग जारी है। रात की ये तस्वीरें देखिए, कैसे आसमान में रॉकेट पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसराइल और हमास की लड़ाई अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हमास और इसराइल के बीच हुए हमलों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, इसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई में 580 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 7 इसराइल के हैं, बाकी फिलिस्तीन के हैं जो इसराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं।
खतरा इस बात का है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई अगर यूं ही जारी रही तो इसका दायरा केवल दो मुल्कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस जंग में कुछ और देश भी कूद सकते हैं। नेपाल में फिर प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। संसद में बहुमत न हासिल करने के बावजूद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। तमाम खींचतान के बाद भी विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए सदन में बहुमत नहीं जुटा पाए तो ओली की फिर से लॉटरी खुल गई। ओली के सोमवार को विश्वास मत होने के बाद राष्ट्रपति ने विपक्ष को सरकार बनाने का वक्त दिया था, लेकिन नेपाल के राजनीतिक दल अपने धड़ों के बीच गुटबाजी के चलते अभी तक इस मामले पर कोई सहमति नहीं बना पाए और ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन की शह पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की। बाद में उन्होंने भारत को साधने का भी प्रयास किया। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली की राजनीति अब की बार किस करवट बैठेगी, ये देखना काफी रोचक होगा। जापान में ओलंपिक आयोजकों का बड़ा फैसला, 2,00,000 की जगह अब सिर्फ 80,000 अधिकारियों को ही एंट्री मिलेगी। जापान ने भारत पर ट्रैवल बैन लगाया। ओलंपिक खेलों के लिए ये वही मशाल है जो पूरी दुनिया में घूमकर टोक्यो पहुंच चुकी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का असर ओलंपिक गेम्स पर भी दिखने लगा है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त रह गया है। इससे पहले टोक्यो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए विदेश से आने वाले अधिकारियों की संख्या को 60% तक कम करने का फैसला लिया है। इन दोनों इवेंट को मिलाकर करीब 1,80,000 अधिकारी टोक्यो पहुंचने वाले थे, अब सिर्फ 80,000 अधिकारी ही इवेंट के लिए आ सकेंगे। वहीं भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। जापान ने भारत पर अनिश्चित काल के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया है। समर ओलंपिक्स की शुरुआत 24 जुलाई और पैरा ओलंपिक्स का 24 अगस्त को आगाज होना है। इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स में करीब 15,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।